हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल अप्रेजल के बारे में कि इन्वायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है, एक कैसे वर्क करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट अप्रेजल क्या होता है। ठीक है, मार्केट अप्रेजल के बारे में देखेंगे कि मार्केट सर्वे फॉर कॉस्टिंग फ्यूचर डिमांड और सेल के लिए मार्केट सर्वे क्यों किया जाता है। ठीक है, और एक क्यों इंपॉर्टेंस है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरल अप्रेजल के बारे में कि मैनेजरल अप्रेजल क्या होता है और एक क्यों मैटर करता है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस पीपीटी या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल अप्रेजल पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अप्रेजल क्या होता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल अप्रेजल की, तो अप्रेजल होता क्या है, अप्रेजल क्या होता है कि एक ऐसी चीज होती है जो स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। मतलब आपको अगर कोई चीज बाय करना है तो उससे पहले आप क्या करेंगे, अप्रेजल के अंदर क्या होता है, वो उस चीज के बारे में सारे रिव्यू आपको देगी, उस चीज के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। यहाँ पे हम अगर इन्वायरमेंटल अप्रेजल की बात करें तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो कि आपको कोई टॉय लेना है, ठीक है, अब टॉय लेने से पहले आप क्या करेंगे, कैसे डिसीजन लेंगे कि इस टॉय को लेना है या नहीं लेना, तो उससे पहले आप क्या देखेंगे कि ये टॉय सेफ है कि नहीं, ठीक है, अच्छा है कि नहीं, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि ये जो है ना कि अच्छा है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, कैसे बना है, ये सारी चीजें जानने का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वायरमेंटल अप्रेजल के अंदर आता है कि इन्वायरमेंट के लिए कैसा है, सेफ है, गुड है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल अप्रेजल इज लाइक डूइंग सिमिलर चेक बट फॉर ए प्रोजेक्ट। लेकिन ये क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए होता है, किसी टॉय के लिए नहीं होता है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट से लिया तो जब प्रोजेक्ट बड़े होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट को कैसे इंपैक्ट करेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद है या नहीं, ठीक है, तो सेफ है कि नहीं इन्वायरमेंट के लिए, इन सारी चीजों की, तो उसको अप्रेजल, इन्वायरमेंटल अप्रेजल के नाम से हम जानते हैं। ये फिगर आउट करता है कि प्रोजेक्ट माइट इंपैक्ट की इन्वायरमेंट को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना इसकी सस्टेनेबिलिटी है, ये सारी चीजों को हम देखने की बात करते हैं। अब बात करें कि अप्रेजल के अंदर जो इन्वायरमेंटल अप्रेजल, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है, जैसे क्या है कि इंपैक्ट असेसमेंट होता है, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी होती है, मिटिगेशन मेजर होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा लीगल एंड रेगुलरिटी, हमारा कंप्लायंस होता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इंपैक्ट असेसमेंट की कि किस तरह से वर्क करता है, तो इंपैक्ट असेसमेंट में क्या करते हैं कि हम एग्जामिन करते हैं कि प्रोजेक्ट जो है इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करने वाला है, ठीक है, कैसे अफेक्ट करेगा, लुकिंग जैसे पॉल्यूशन को देख लेंगे, रिसोर्स क्या क्या इसमें यूज हो रहे हैं, वेस्टेड जनरेट क्या, मतलब कि जो भी वेस्टेड चीजें होंगी क्या जनरेट करने वाला, इन सारी चीजों को हम इंपैक्ट, क्योंकि यही सारी चीजें तो क्या करती है इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करती है, जैसे पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, रिसोर्स जो भी हम यूज करते हैं जैसे जस्ट लाइक प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें क्या करती है इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करती है। उसके बाद हम सस्टेनेबिलिटी को देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम देखेंगे जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस, जो भी बन रहा है, ये रिसाइकिल है कि नहीं, कि मतलब जो भी टॉय हमने देखा, भी हमने टॉय की बात की तो जो टॉय था क्या वो टॉय रिसाइकिल है, इस चीज को हम चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे जो भी प्रोजेक्ट है एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्मिंग, ठीक है, द इन्वायरमेंट इन द लॉन्ग टर्म, क्या वो एग्जीक्यूट हो सकता है बिना इन्वायरमेंट को इंपैक्ट किए ज्यादा समय तक, तो ये सारी चीजें सस्टेनेबिलिटी के अंदर चेक करेंगे। उसके बाद मिटिगेशन मेजर होता है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड करते हैं सेफर वे कि कैसे इसको टॉय को हम बनाए जिससे ये सेफ हो, ठीक है। उसके बाद कुछ हम सजेस्टिंग करते हैं, जैसे स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस मैनेज निगेटिव इन्वायरमेंट इंपैक्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, उससे क्या हो रहा है कि जब हम उस प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो इन्वायरमेंट को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि उसकी जो भी इंपैक्ट है उसको हम क्या करें, रिड्यूस करें, कम से कम करें, जिससे वो क्या करें इन्वायरमेंट को कम नुकसान करें, ठीक है। लीगल कंप्लायंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के रूल और रेगुलेशंस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है, जिससे क्या हो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिले, तो इसलिए हम उसको भी फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाती है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल के अंतर्गत आ जाती है। अब बात आती है कि आखिर इन्वायरमेंटल अप्रेजल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बात अगर हम बात करें तो जो भी हम चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट हो, हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाए,
ठीक है, जिसके लिए क्या हो जाए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चॉइस करें बेनिफिट्स बोथ, प्रोजेक्ट का गोल भी और प्लेनेट भी, कि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे और हमारा प्रोजेक्ट भी सेफ रहे। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमें कोई क्या करना है, बिल्डिंग या नई फैक्ट्री डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे, इमेजिंग आपको क्या करना है कि प्लानिंग करना है कि कोई भी फैक्ट्री, नई फैक्ट्री आपको डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, तो वहां पे इन्वायरमेंटल अप्रेजल का हम यूज करेंगे, कंसीडर करेंगे कि जो भी फैक्ट्री की ऑपरेशन है, माइट प्रोडक्शन है, ठीक है, पॉल्यूशन है, प्रोडक्ट है पॉल्यूशन, और यूज अब जो भी नेचुरल रिसोर्स है हम उसका यूज करें, ठीक है, और भी जो भी क्लीन टेक्नोलॉजी है, रिसाइकलिंग है, ठीक है, वेस्टेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का यूज करें, मतलब जो भी हमारा वेस्ट निकलना है, ठीक है, हमारे हम उसको क्या करें, रिसाइकिल कर ले, ठीक है, उसको मैनेज करने का हमारे पास एक स्ट्रेटेजी, एक अच्छा प्लान हो, जिससे हम क्या करें कि हम क्या करें अपनी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने से बचा सके। तो ये हमारा होता है इन्वायरमेंटल अप्रेजल। उसके बाद आता है मार्केट अप्रेजल। मार्केट अप्रेजल क्या होता है कि सपोज कर लो कि मार्केट के अंदर कोई चीज है, मान लिया हमने कि आपको लेमोनेड की कोई शॉप ओपन करनी। लेमोनेड क्या होता है, जैसे नींबू के पानी का गर्मियों में क्या होता है कि हर जगह ठेले पे बिकता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, तो जस्ट लाइक क्या होता है कि एक मार्केट अप्रेजल क्या होता है, इट्स लाइक फिगरिंग आउट द पीपल, ठीक है, आपके अगल बगल के लोग कौन नींबू का पानी पीना चाहता है या कौन खरीदना चाहता है गर्मियों के टाइम में, तो सबको ऐसे चाहिए होता है। तो इसी चीज को अंडरस्टैंड करना क्या होता है कि मार्केट अप्रेजल के अंदर आता है, ठीक है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इफ देयर डिमांड, ठीक है, फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। यही हमारा मार्केट है, आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की मार्केट के अंदर क्या डिमांड है, इसी को हम मार्केट अप्रेजल करते हैं। इस चीज को समझना कि क्या डिमांड है, कितने लोग खरीदेंगे, हमारा कंपटीशन किससे है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करना मार्केट अप्रेजल कराता है। मार्केट अप्रेजल के अंदर हम क्या करते हैं, टारगेट ऑडियंस करते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर्स होने वाले हैं, किस तरह के कस्टमर्स हैं, को कौन हमारी सर्विस को लेना चाहता है, मार्केट के अंदर ट्रेंड्स क्या चल रहा है, कंपटीशन क्या है, डिमांड असेसमेंट क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मार्केट ऑडियंस के मतलब कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन स्पेसिफिक ग्रुप है जो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। यहां पे अभी नींबू के पानी की बात हो रही है, प्रोडक्ट और भी कुछ हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं। तो लेमोनेड था वो एक तरह की क्या था, आपका एग्जांपल था। वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट, कोई भी आपका बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद मार्केट की ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट के अंदर ट्रेंड्स क्या चल रहा है, करंट मार्केट ट्रेंड क्या कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो मार्केट के अंदर डिमांड है, ऐसा नहीं कि अगर आप नींबू का पानी सर्दियों में बेचने लगेंगे तो कोई नहीं पीने आएगा। तो हमें क्या करना है, मार्केट की डिमांड को समझना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, अलाइन योर प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी ट्रेंड है उससे हमें अलाइन रहना है। उसके बाद आता है कंपटीशन। कंपटीशन की अगर बात करें तो हमें ये एग्जामिन करना है कि जिस मार्केट, जिस फील्ड या जिस क्षेत्र में हमारा शॉप है, दुकान है, हमारा प्रोडक्ट सेल होता है, उस तरह की सर्विस और कौन प्रोवाइड करता है या उस तरह का प्रोडक्ट और कौन ऑफर सिमिलर ऑफर कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमेशा अपने कंपटीटर से आगे रहना है एक कदम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिमांड असेसमेंट करना। डिमांड असेसमेंट में क्या होता है कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं हमारे प्रोडक्ट में, उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अब बात आती है आगे की मार्केट सर्वे के बारे में, कि किसी भी फ्यूचर डिमांड या सेल के लिए हम कैसे मार्केट सर्वे। जैसे हमने अभी बताया मार्केट डिमांड्स के बारे में, मार्केट डिमांड्स के अंदर क्या होता है, मार्केट सर्वे क्या होता है, एक तरह का नॉर्मल वर्जन होता है कि हम लोगों को, मतलब कि लोगों के बीच में जाते हैं और अपने प्रोडक्ट का रिव्यू लेते हैं। जैसे हमारी कंपनी क्या है कि कोई प्रोडक्ट बना रही है, अब उस प्रोडक्ट का रिव्यू हम जाएंगे मार्केट के अंदर और लोगों से पूछेंगे कि आखिर हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। तो ये हमारी होती है, हम लोगों की प्रेफरेंस जानेंगे कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारे प्रोडक्ट या हमारे सर्विस की अपेक्षा, ठीक है, या फिर जो भी मार्केट में चल रहा है लोग क्या चाहते हैं कि मार्केट के अंदर आए। यही मार्केट सर्वे होता है, यानी ये फील्ड वर्क है, ठीक है। इमेजिन करो कि आस्किंग, ठीक है, आप अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स किसी से फिर डायरेक्टली पूछते हैं नियर प्रेफरेंस, कि उनका प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीजें होती है मार्केट सर्वे के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चनर होता है, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर्वे पार्टिसिपेंट्स होता है, एनालिसिस होता है, डेटा कलेक्शन होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो मार्केट सर्वे में हेल्प करने वाली चार पॉइंट है, हमारा क्वेश्चनर हो गया। क्वेश्चनर के अंदर क्या करते हैं कि हम अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट है, फ्लेवर है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है और परचेस से रिलेटेड, हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस को तैयार करते हैं और मार्केट के अंदर आते हैं और लोगों से पूछते हैं,
ठीक है, उस क्वेश्चन को पूछते हैं और उसके बाद जो भी डेटा हमें मिलता उस डेटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, गेदर करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स मिलता है फ्यूचर डिमांड्स के लिए, ठीक है, इस्टीमेट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, गेदर करने का काम करते हैं कि आखिर नंबर ऑफ पर्सन किसकी क्या डिमांड। आजकल आप ट्रेंडिंग रील्स में देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि लोगों से कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब रील्स में तो कुछ चलता है लेकिन क्या होता है एक्चुअल जो मार्केट सर्वे होता है इसी तरह से होता है कि हम लोगों के बीच में जाते हैं और अपने प्रोडक्ट सर्विस और जो भी हमारा प्राइसिंग सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों से बात करते हैं, तो लोगों की क्या राय है उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वही क्या करते हैं हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक कस्टमर का रिव्यू लेना। उसके बाद क्या होता है कि सर्वे पार्टिसिपेंट्स करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं सर्वे करते हैं जगह जगह पे, गांव में हो गया, मार्केट में हो गया, अलग अलग शहर में हो गया, तो हम क्या करते हैं जो भी बायर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं क्वेश्चन सर्वे कंडक्ट करा के क्या करते हैं उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं। उसके बाद एनालिसिस करते हैं, हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, जो भी हमने हमें रिस्पांस मिला उस डेटा को हमने कलेक्ट किया। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं क्या पैटर्न्स है, क्या ट्रेंड्स है, मार्केट में आने वाली चीज किसका सबसे ज्यादा डिमांड होगा, ये सारी चीजें इस प्रकार से एनालाइज की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये इंपॉर्टेंट स्कीम, तो इसमें क्या हो जाता है कि हम अवॉइड कर देते हैं ऐसे सारी प्रोडक्ट जो कि मार्केट के अंदर नहीं बिचने वाले हैं। भाई आपने क्या किया, लोगों से पूछा, ठीक है, आप सर्दियों में जाके पूछो कि कोई नींबू पानी पिएगा तो कोई बोलेगा नहीं पीऊंगा, तो हमें आखिर तो हमें पता चल गया ना कि सर्दियों में कोई नहीं पिएगा तो हम क्यों सर्दी में उसको बेचें। तो क्या हो गया कि हम ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं जो कि नहीं बिकने वाले हैं। ठीक है, हम इंश्योर करते हैं जो भी हमारे कस्टमर की प्रेफरेंस है उससे हम अपने प्रोडक्ट को अलाइनमेंट रखें, ठीक है, उससे अलाइन रखें। उसके बाद इंक्रीज करते हैं चांसेस ऑफ द बिजनेस सक्सेस, इससे क्या हो जाता है हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई जिस चीज की मार्केट में डिमांड होगी अगर हम वही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आएंगे तो मार्केट के अंदर हमारा प्रोडक्ट सिंपल सी बात है कि बिकेगा, और जब बिकेगा तो हम क्या करेंगे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल होता देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि ऑनलाइन कोई हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी शॉप है जिसमें मार्केट अप्रेजल क्या करता है, एनालाइज करता है ट्रेंड इन ज्वेलरी परचेसिंग। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई टारगेट्स को करते हैं, हमारी जो भी कस्टमर से किस तरह के हैं, एक्सेस करते हैं कंपटीशन, मतलब मार्केट के अंदर क्या ज्वेलरी मार्केट के अंदर कंपटीशन, मार्केट सर्वे करते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्राइसिंग पॉइंट्स, परचेस, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो होता है। अब बात आती है हमारा मैनेजरल अप्रेजल की, कि मैनेजरल अप्रेजल क्या होता है। मैनेजरल अप्रेजल की बात करें तो सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मैनेजरल अप्रेजल सपोज कर लो कि आप कोई स्पोर्ट टीम में खेल रहे हैं, ठीक है, मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट में आप खेल रहे हो, अब सपोज करो कि आपका कोई कोच है, सिंपल सी बात है भाई कि अगर आप प्लेइंग 11 में है तो आपका क्या होगा कि कोई कोच होगा। कोच क्या करता है कि वो सारे टीम प्लेयर्स पे नजर रखता है और फाइंड आउट करता है कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जो क्या करे टीम को लीड कर पाएगा। ठीक है, उस चीज को फाइंड आउट करने का काम करता है या करता है चेकआउट करता है, चेकिंग करता है कि किसके पास कितना लीडिंग पावर है जो टीम को लीड कर पाए। तो जो मैनेजरल अप्रेजल है जस्ट लाइक ए कोच होता है। ठीक है, जो कोच होता है वो क्या करता है टीम 11 के अंदर क्या कर रहा है कि अभी मान लो हमने क्रिकेट की बात करें तो प्लेइंग 11 के अंदर जो प्लेयर्स है उनको क्या करेगा, वो उनके अंदर से क्या करता है कि एक लीडर खोजता है। और जो मार्केट मैनेजरल अप्रेजल होता है जस्ट लाइक कोच होता है, लेकिन ये क्या होता है कि बट फॉर ए मैनेजर्स, ये मैनेजर्स होता है किसी भी वर्क प्लेस पे। ठीक है, वो क्या करता है वर्क प्लेस पे मैनेजर होता है, वो फाइंड आउट करता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जो हमारी टीम को लीड कर सकता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो मैनेजर अप्रेजल आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, कि ये क्या करता है असाइनिंग करता है हाउ विल मैनेज आर डूइंग दियर जॉब एंड लीडिंग दियर टीम। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है, यानी कंपनी के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जो भी आपका मैनेजर है उसमें से आइडेंटिफाई करेगा कि ऐसा कौन सा बंदा है जो क्या करेगा टीम को मैनेज कर सकता है और अपना ग्रुप बना के किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। अब मैनेजर अप्रेजल के लिए क्या क्या चीजें चेक की जाती है, तो वहां पे लीडरशिप स्किल चेक होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, कम्युनिकेशन होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम डेवलपमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में कि जो भी आपका कोच है इवेल्युएट करेगा प्लेयर जो है। ठीक है, हमने बात किया प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या है, प्लेयर खेलता कैसा है, फेंकता कैसा है, ठीक है, उसके फील्डिंग कैसे, हम इन सारी चीजों के ऊपर इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको एज ए लीडर
और उसको लीडर बनाते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू इसी तरह कंपनी में होता है। कंपनी के अंदर क्या होता है कि बंदा काम कितना कैसा है, कैसे करता है, उसके ठीक है काम करने का तरीका क्या है, सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप स्किल एग्जामिन करते हैं कि लोगों को गाइड कैसे करता है, मोटिवेशन कैसे देता है अपनी टीम के लिए, तो लीडरशिप स्किल यहाँ से चेक हो जाती है। कम्युनिकेशन की बात होती है, जो भी इंटीग्रेशन है, मतलब टीम के साथ इंटीग्रेट कैसे करता है, ठीक है, इंटरेक्शन कैसे करता है, ठीक है, मतलब कि टीम के साथ जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कोलेबरेट कैसे करता है, लोगों को अपने आइडियाज कैसे समझाता है, ये सारी चीजें आ जाती है कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि जब आपकी कम्युनिकेशन फ्लुएंट होगी तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। उसके बाद हमारा आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है कि हमको क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। जब भी हम फील्ड में होते हैं या फिर कह सकते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पार्ट आते हैं जहां पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है उसके बाद, तो हमें क्या करना है, अनएक्सपेक्टेड जो भी चैलेंजेस हैं उनसे निपटना आना चाहिए, तो इवैल्यूएट करते हैं ये भी सारी चीजें। टीम डेवलपमेंट होता है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबकी ग्रोथ और उनके सपोर्ट के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं कि हम खुद के लिए सेल्फिश प्लेयर बने। तो हमें क्या करना है, जो भी टीम मेंबर्स होंगे सबके लिए क्या करना है, सबका ग्रोथ हो, सबका सपोर्ट हो, ऐसा कुछ टीम डेवलपमेंट लीडर्स होना चाहिए, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। अब बात आती है कि आखिर मैनेजर अप्रेजल क्यों मैटर करता है भाई, इसकी क्या जरूरत थी। तो अगर बात करें कि पैरेलल, ठीक है, जो भी कोच का फीडबैक होता है फॉर प्लेयर इंप्रूवमेंट, भाई कोच अगर बताएगा नहीं तुझे ये प्रॉब्लम है, तू ऐसे कर ऐसे खेल, तो क्या करेगा प्लेयर, क्या करेगा उस सारी चीजों में इंप्रूवमेंट करेगी। इसीलिए क्या है, मैनेजर अप्रेजल इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी हमारा एम्प्लॉय है वो अपनी चीजों में इंप्रूवमेंट कर पाए। एनहेंस करते हैं मैनेजर स्किल की, ताकि आप एक लीडरशिप स्किल बन पाए, लीडर बन पाए, ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप स्किल के साथ। तो मैनेजर ये सारी चीजों, मैनेजर अप्रेजल इन सारी चीजों को एनहेंस करने का काम करता है। कंट्रीब्यूट करते हैं, हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वर्क कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, एक सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं अपने कंट्रीब्यूशन से। अब बात आती है एग्जांपल, ठीक है, रेस्टोरेंट मैनेजर की अगर हम बात करें, तो मैनेजर अप्रेजल जो है इन्वॉल्व करता है सुपरविजर, ठीक है, इवैल्यूएटिंग लीडरशिप। वो क्या करता है कि लीडरशिप को पहचानने का काम करता है, ठीक है, रिव्यूइंग करता है कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है, स्टाफ, ठीक है, जो भी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर जो भी स्टाफ्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, सेफ हैं, ठीक, उनके अंदर क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस है, ठीक है, असेसमेंट हैंडलिंग क्या है, कस्टमर्स के साथ कैसा उनका व्यवहार है, डिसीजन कैसे लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ एंड एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट, ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पे वो इम्प्रूव कर पाए, और उनकी कौन सी ऐसी एरिया जिसमें वो स्ट्रेंथ है उनका, मतलब कि पकड़ अच्छी है, तो ये सारी चीजें मैनेजर अप्रेजल के अंतर्गत आ जाती है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस पीडीएफ या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।